हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है जब रूट्स इक्वल हो। सबसे पहले हम इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या रहेगी? 1। b की वैल्यू है k और c की वैल्यू 9। अब हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर लिखेंगे। बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो b की वैल्यू k, तो k स्क्वेयर फिर माइनस 4 फिर a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 0। इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा k स्क्वेयर फिर माइनस 4 इंटू 1 से 4, 4 इंटू 9 से 36 इज इक्वल टू 0। अब 36 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये माइनस 36 है, तो जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। इसके बाद स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वेयर रूट यूज़ करेंगे, तो स्क्वेयर रूट यहाँ पे भी लेंगे, स्क्वेयर रूट यहाँ पे भी लेंगे, तो ये कैंसिल, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 600। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आई? प्लस माइनस 600। इसी तरह पार्ट टू में गिवन है 12x स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 12 है। b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। तो ये भी बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो b की जगह k, तो k स्क्वेयर फिर माइनस 4, a की जगह 12 और c की जगह 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k स्क्वेयर फिर माइनस 4 इंटू 12 से 48, 48 इंटू 3 से 144 इज इक्वल टू 0। अब 144 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, k स्क्वेयर इज इक्वल टू 144। इसके बाद स्क्वेयर रूट लेंगे, स्क्वेयर रूट यहाँ पे भी, स्क्वेयर रूट यहाँ पे भी, तो ये कैंसिल हुआ, तो k इज इक्वल टू 144। स्क्वेयर रूट बराबर है 12 के, तो प्लस माइनस 12। तो ये हुआ k की वैल्यू। पार्ट थ्री में गिवन है x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0। तो ये भी कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 5 और c की वैल्यू k, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे, तो b की जगह माइनस 5 स्क्वेयर फिर माइनस 4 है, a की जगह 1 और c की जगह k इज इक्वल टू 0। तो माइनस 5 स्क्वेयर बराबर है 25 के, 25 फिर माइनस 4 इंटू 1 से 4, 4 इंटू k से, तो 4k इज इक्वल टू 0। तो 25, अब 4k को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4k। इसके बाद 4 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, डिवाइड 4 बोथ साइड, तो यहाँ पे भी 4 डिवाइड होगा, यहाँ पे भी 4 डिवाइड होगा, तो 4 और 4 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 25 ओवर 4। तो ये हुआ k की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, डिटरमाइन whether द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। हमने ये फाइंड करना है कि जो इक्वेशन गिवन है इसके जो रूट्स है तो वो रियल है या नहीं है। अगर है तो उसको हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। तो इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू भी 5 है। इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू, तो 5 होल स्क्वेयर फिर माइनस 4 है फिर a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 5,
तो पाई स्क्वायर बराबर है 20 पाई के, फिर माइनस 4 इंटू 1 से 4, 4 इंटू पाई से 20, तो 20 पाई माइनस 20 से आधा है पाई, तो पाई जो है वो जीरो से ग्रेटर है तो रूट्स रियल होंगे। इसके बाद अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि ये रियल है या नहीं है रूट, तो हम रूट फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस पाई इक्वल टू जीरो, इसको हम अब बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट डिवाइड बाय टू ए। तो वैल्यू अब हम पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी की जगह तो ये हो जाएगा माइनस पायो, फिर प्लस माइनस बी स्क्वेयर, तो बी की वैल्यू बी पायो है तो पायो स्क्वेयर, फिर माइनस फोर ए सी है तो फोर, फिर ए की जगह तो ए की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू भी पायो है डिवाइड बाय टू ए, तो टू और ए की वैल्यू वन, तो टू इंटू वन हो जाएगा। इसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू तो माइनस पायो, तो ये तो हो जाएगा माइनस पायो, फिर प्लस माइनस पायो स्क्वायर, तो पायो स्क्वायर बराबर है 20 पायो के, तो ये हो जाएगा 20 पायो, फिर माइनस 4 इंटू 1 से 4, 4 इंटू पायो से 20, तो 20 डिवाइड बाई 2a है तो 2 इंटू 1 से 2, तो x इज इक्वल टू माइनस पायो प्लस माइनस 20 पायो माइनस 20 से पायो, तो पायो स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस पायो प्लस अंडर रूट पायो डिवाइड बाई 2, फिर माइनस पायो माइनस अंडर रूट पायो डिवाइड बाई 2। तो ये था केस वन वाला, क्योंकि रूट्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है यानी पायो है, और पायो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो मतलब रूट्स भी इरेशनल भी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता तो रूट्स हमारे पास रेशनल आते। पार्ट टू में गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे सोल्यूशन, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू है 9। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की जगह हम क्या पुट करेंगे 12, तो 12 स्क्वायर, फिर माइनस 4 है a की जगह 4 और c की जगह 9, तो 12 स्क्वायर बराबर है 144 के, फिर माइनस 4 इंटू 4 से 16, 16 इंटू 9 से 144, तो ये भी कैंसिल, तो इससे हमारे पास आया 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आया मतलब रूट जो है वो इक्वल होंगे, यानी सेम रूट्स आएंगे दोनों के, रिपीटेड होंगे। इसको अब हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम बाय पिक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, तो पिक्टराइजेशन का मेथड ये है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके मल्टीप्लिकेशन से आता है 36 एक्स स्क्वायर और सम जो है वो ये टर्म होगा x वाला टर्म 12x। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका अगर हम प्रोडक्ट ले ले तो हमारे पास क्या आए 36 एक्स स्क्वायर, और जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आए 12x, तो वो दो नंबर है 6x एंड 6x। तो 12x की जगह हम ये नंबर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर 12x की जगह 6x प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम इस दोनों में कामन लेंगे और इस दोनों में, तो यहाँ पे 2x जो है वो कामन है, तो 2x कामन लिया हमने, तो यहाँ पे क्या रह गया 2x और यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे क्या कामन है,
तो यहाँ पे सिर्फ प्लस थ्री कॉमन है, तो टू एक्स रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब टू एक्स प्लस थ्री दोनों में कॉमन है, तो टू एक्स प्लस थ्री हमने लिया और टू एक्स प्लस थ्री ये रह गया, टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब टू एक्स प्लस थ्री को हम अलग ज़ीरो के बराबर लिखेंगे और टू एक्स प्लस थ्री को अलग ज़ीरो के बराबर लिखेंगे इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे भी टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टू एक्स थ्री को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस थ्री हो जाएगा। इसके बाद टू यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी, तो टू और टू कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। इसी तरह इससे भी सेम टू सेम आएगा क्योंकि सेम फैक्टर है, टू एक्स इक्वल टू माइनस थ्री फिर टू डिवाइड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। तो रूट्स हमारे पास सेम आए, मतलब रिपीटेड आए, ये भी माइनस थ्री बाई टू है, ये भी माइनस थ्री बाई टू। पार्ट थ्री में गिवन है सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे सोल्यूशन। यहाँ पे ए की वैल्यू है सिक्स, बी की वैल्यू है वन और सी की वैल्यू है माइनस टू। अब बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी फाइंड करेंगे, तो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन है, तो माइनस वन होल स्क्वेयर, फिर माइनस, फिर फोर है, ए की वैल्यू यहाँ पे है सिक्स और बी की वैल्यू माइनस टू, तो वन माइनस वन स्क्वेयर बराबर है प्लस वन के, फिर माइनस इंटू माइनस से प्लस हो, फोर इंटू सिक्स से ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर इंटू टू से फोर्टी एट, तो वन प्लस फोर्टी एट से आता है फोर्टी नाइन। तो फोर्टी नाइन ग्रेटर देन ज़ीरो भी है और परफेक्ट स्क्वेयर भी है, तो रूट्स हमारे पास रियल आएंगे और रेशनल भी आएंगे। तो इसको अब हम साल करते हैं, सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम बाई फैक्टराइजेशन साल करते हैं, तो इस दोनों के प्रोडक्ट से आता है माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर, माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर, और सम से आता है प्लस एक्स। तो वो दो नंबर क्या है, तो प्लस फोर एक्स है और माइनस थ्री एक्स है, तो एक्स की जगह हम ये पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस दोनों में कॉमन लेंगे और इस दोनों में, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, तो टू एक्स कॉमन है यहाँ पे, तो क्या रह जाएगा थ्री एक्स और यहाँ पे सिर्फ टू। इसी तरह यहाँ पे सिर्फ माइनस वन कॉमन है, तो थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब थ्री एक्स प्लस टू कॉमन लेंगे, तो थ्री एक्स प्लस टू, फिर टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको अब हम अलग अलग ज़ीरो के बराबर लिखेंगे, थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो और टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री एक्स इज इक्वल टू टू, जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद थ्री यहाँ पे भी डिवाइड, यहाँ पे भी, तो कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। इसी तरह यहाँ पे वन को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू वन, फिर टू यहाँ पे भी डिवाइड, यहाँ पे भी, तो टू और टू कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू। तो रूट्स हमारे पास रियल भी आए और रेशनल भी, यानी पी बाई क्यू फॉर्म में ये भी है और ये भी है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।